नमस्कार, काटकर हूँ उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक नई बढ़िया प्रॉन्स मसाले की रेसिपी बनाने वाले हैं। एकदम आसान और बढ़िया ऐसी ये रेसिपी बनने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं प्रॉन्स मसाला की रेसिपी। इसमें मैं पंच फोरन मसाला यूज़ करने वाली हूँ। ये मसाला खासकर बंगाली लोग अपने डिशेस में यूज़ करते हैं। ये आप नॉनवेज या फिर कोई किसी भी तरह की सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पंच फोरन मसाला कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच राई, एक चम्मच मेथी, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच कलौंजी ली है। तो यहाँ मैं एक कटोरी लेके उसमें कलौंजी, सौंफ, राई, जीरा और मेथी, ये सब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पंचफोरन मसाला अब तैयार हो गया है। यह मसाला आप स्टोर कर कर रख सकते हैं और कोई भी सब्ज़ी में, पनीर की सब्ज़ी हो या फिर कोई भी सब्ज़ी हो, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉन्स मैंने क्लीन करके ले लिया है। अब उसमें मैं पाव चम्मच हल्दी, थोड़ा सा नमक, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब एक कटोरी हमें लेना है और उसमें एक बड़ा चम्मच मैं राई ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 से 6 काजू लिए हैं। आप काजू की जगह खसखस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं अब थोड़ा पानी ऐड कर लेती हूँ और इसे एक 10 मिनट के लिए बाजू में रख देती हूँ। अब हम भिगोए राई और काजू की अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह मैंने बारीक पेस्ट बना के ले ली है। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई को हम थोड़ा अब गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल को हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम जो प्रॉन्स रखे थे मैरिनेट करके, उसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। हमारे प्रॉन्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी ऐसे हुए हैं। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तेल में मैं अब एक चम्मच पंच फोरन मसाला डाल रही हूँ। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छे तरह से अब हम भून लेंगे। अब हम इसमें राई और काजू के पेस्ट मिला लेते हैं। इसे हम 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। बार बार चलाते हुए इसे हमें पकाना है। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें मैं पाव चम्मच हल्दी, 1 चम्मच में मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 3 हरी मिर्च मैंने बीच में से काट के ली है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें प्रॉन्स डाल लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। याद रखें कि हमने नमक पहले प्रॉन्स को मैरिनेशन के लिए लिया था, तो नमक हल्का ही डालें। 2 बारीक कटे हुए टमाटर हम इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर चलाते हुए हमें इसे 5-6 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। अब हमें कम आंच पर इसको अच्छे से पका लेना है। दो आलू मैंने यहाँ पे बॉईल करके लिए हैं। अब इसको मैं छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। अब ये कटे हुए आलू मैं प्रॉन्स की ग्रेवी में ऐड कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट तक अब हम इसे और पका लेंगे।
थोड़ा सा कटा हुआ धनिया मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट ऐसी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसमें 3 के जगह 2 ही मिर्ची का इस्तेमाल करें। इस रेसिपी में हमने राई का ज़्यादातर इस्तेमाल किया है, लेकिन यकीन मानिए टेस्टी और ज़बरदस्त ऐसी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं गैस बंद कर लेती हूँ, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप ये रेसिपी घर पे बनाइए, घर वालों को खिलाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।